अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद को समझिए और इन लोगों के बनाए हुए झूठे अकीदों से तौबा कीजिए। ऐसा ही एक वाकया पिछले दिनों पंजाब के एक शहर सांगला हिल में पेश आया। सांगला हिल में एक दरबार है पीर बाबा वाहिद अली सरकार साहब का। वो पीर साहब के मानने वालों में से एक आदमी ने अहले हदीसों के साथ मुबाहला किया। मुबाहला किस बात का कि यहां पर एक दरख्त उनके कब्र पे दरबार पे गिरा हुआ था। उसने कहा कि हमारा अकीदा है बाबा ये दरख्त हिलाने नहीं देता, उठाने नहीं देता। अगर तुम अहले हदीसों इस दरख्त को काटने में कामयाब हो गए, उठाने में कामयाब हो गए, 1,00,000 रुपया दूंगा और मैं अहले हदीस भी हो जाऊंगा, दरख्त भी तुम्हारा होगा। मैं मुबाला किया बल्कि चैलेंज किया कि 1,00,000 रुपया नाम देंगे जेड़ा बंदा दरख्त उठा ले, ला जे अपने इस्तेमाल च अपना दरख्त उठा ला जान इन्हां कामयाब हो जान, मैं इन्हां नूं 1,00,000 रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाऊंगा। इस बात पे उसने अहले ईमान से अहले तौहीद से मुबाहला किया और वो आकर कहने लगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कि ये जो बाबा जी वाहिद अली सरकार हैं इनको 45 साल हो गए ये पर्दा फरमा गए हैं। आप मेरे बुजुर्ग ने बाबा जी वाहिद सरकार रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने तकरीबन 45 साल हो गए ने इस दुनिया को पर्दा फरमाया। क्या फरमा गए हैं? पर्दा फरमा गए हैं, मरे नहीं हैं। मरे अगर कहोगे मर गए हैं तो गुस्ताख हो जाओगे। पर्दा फरमा गए हैं। मौत का इस्तेमाल लफ्ज करते हुए इनको मौत पड़ती है, मौत का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए इनको मौत आती है। पर्दा फरमा गए। हम प्यार से पूछते हैं, भाई ये हजरत पर्दा जब फरमाए थे इनका पर्दा तुमने चाक किया था या नहीं? ये बाबा जब पर्दा फरमा गए थे गुसल देने से पहले बेपर्दा तुमने इसे किया था या नहीं? चंगा पर्दा किया है, बेपर्द प्यार रहा उस वक्त कुछ नहीं किया? कहा नहीं, ये पर्दा फरमा गए हैं। हम कहते हैं अगर ये मौत का लफ्ज इस्तेमाल करना ऐब होता अंबिया के लिए, औलिया के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए, तो कम से कम अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज कभी इस्तेमाल ना करते। मालिक का फरमान सुनिए, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर भी मौत आएगी और इस पूरे जहान वालों सब इंसानों ने मर जाना है। उन्होंने इस दरख्त को उठाने की कोशिश की, नहीं उठा सके। वो क्रेनें लेकर आए, क्रेनों ने इस दरख्त को हिलाना चाहा, बाबा ने दरख्त अपने दरबार का हिलाना नहीं दिया। आंधी आई है, आ दरख्त जेड़ा इन्हां अपने हाथ नाल लाया, इन्हूं 35 साल हो गए ने, आंधी नाल इह गिरिया। ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਰੇਨਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਉਸੇ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ। ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ अपने दरख्त के गिर अपने दरबार के गिरे हुए दरख्त को हिलाने नहीं देता, कुरान मुझे और आपको दरस दे रहा है अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा है जिंदा नहीं है, वमा यशुरून अय्यान युबअसून, इनको तो अपने उठाए जाने का भी शऊर नहीं है। जितने ये जिंदा आए हुए हैं इनका जिम्मेदार हूं, ना पुलिस रोकेगी, ना फौज रोकेगी, ना पब्लिक रोकेगी, लेकिन जो ये बाबा जी कब्र में दफन है मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। वो जो चाहे उसको नुकसान पहुंचा ले ये उनका मामला है, ये दुनिया जितनी आई है ये दुनिया इनको नहीं रोकेगी। और फिर अपने हम अकीदा लोगों से कहता है, ए बहन भाइयों सारे दूर जाकर उस पुल पे इंतजार करो और इनको काम करने दो,
इनके रास्ते में खलल ना डालो। अगर ये काम हो गए लाख रुपया दूंगा, अहले हदीस भी हो जाऊंगा। और अगर बाबे ने इनको दरख्त ना हिलाने दिया, ये दरख्त ना काट सके, दरख्त ना उठा सके, तो फिर ये सारे अहले हदीस बरेलवी हो जाएंगे। मैं मुबाला कीता, बल्कि चैलेंज कीता कि एक लाख रुपया इनाम देंगे जेड़ा बंदा दरख्त उठा ले, ले जे अपने इस्तेमाल च कर। उस बंदे नूं किसे किस्म दी कोई मुश्किल प्रॉब्लम दुनिया की तरफों नहीं होगी। बाबा जी बाद सरकार का मैं जिम्मेदार नहीं, वो जेड़ा भी नुकसान पहुंचा वो इन्हों का अपना मिशन है, उहदे नाल मेरा तलक नहीं। अलबत्ता दुनिया जितने भी मेरे भैन भरा इत्थे दुनिया इकट्ठी हुई है, इंशाअल्लाह इन्हां नूं किसे किस्म दा इन्हां दे रस्ते च खलल पैदा नहीं मैं होण देंगा ना होएगा। ये अपना दरख्त ठाण लै जाण, इन्हां कामयाब हो जाण, मैं इन्हां नूं लख रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाऊंगा। ठीक है जनाब, तो जे जिहड़ा वादा होया मैं कहता हूं भाई, अगर इस बाबे के अंदर कुछ नुकसान पहुंचाने की ताकत होती, मरने के बाद कुछ करने की कुव्वत होती, जो इसका अस्तंजा करवा रहा था उसका हाथ तो पकड़ लेता, कम से कम इतना सा काम तो कर लेता ना कि परे हो कहां हाथ लगा रहा है, बेशर्म पीछे हट, मैं खुद ही संजा कर लेता हूं। उस वक्त तो ये आराम से पड़े रहेंगे, जो करना है कर ला, मैं तो लंबा ही पे हूं, मेरे पल्ले में तो कुछ नहीं है। अरे जो संजा ना कर सका, जो वजू ना कर सका, जो गुसल ना कर सका, जो कपड़े ना उतार सका, जो कफन ना पहन सका, जो चलकर कब्रिस्तान ना जा सका, मरने के बाद उसमें यह कुव्वत है कि अपने दरबार पे पड़े हुए दरख्त को काटने से रोक ले, काटने से बचा ले।